बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अशफाक अहमद साहब फरमाते हैं कि मेरे वालिद डंगर डॉक्टर थे, हमारे गांव में सर्कस लगा, सर्कस वालों का हाथी बीमार हो गया। मैं छोटा सा था, अब्बा जी हाथी के इलाज के अरज से जा रहे थे, मुझे भी साथ ले गए। जब हम सर्कस के हाथी के पास पहुंचे और अब्बा जी ने हाथी का मुआयना शुरू किया तो हाथी ने जोर से अपनी सूंड हिलाई, चिंगाड़ा और पैर उठाकर जोर से जमीन पर मारा। मैं बच जाता, हाथी की इस ड्रिल को देखकर इस कदर खौफ ज्यादा हुआ कि वहां से भाग निकला। मेरे अब्बा जी मोहम्मद खान मेरे पीछे आए, मुझे रोका, पिचकारा, पूछा, शकू तो सर्कस से क्यों भाग आया? मैंने कहा, अब्बा जी हाथी मुझ पर हमलावर हो जाएगा, बस इस ख्याल से दौड़ लगा दी। अब्बा जी ने कहा, हाथी के पैर में पड़ी सिंगली नहीं देखी तूने? मैंने कहा, अब्बा जी एक बारीक से सिंगली, छोटा सा केला, इतने बड़ी बार काम हाथी को नहीं रोक सकता। इतने मनोटानो वजनी हाथी के लिए बारीक सी संगली क्या मायना, क्या मानी? अब्बा जी मुस्कुरा और कहा, अशफाक अहमद, हाथी इस केले को नहीं वो काट सकता जिससे वो बंद है। मैंने पूछा, क्यों नहीं वो काट सकता? अब्बा जी बोले, शकू सर्कस वाले जब इस हाथी को जंगल से पकड़ कर लाए थे तब ये छोटा सा बच्चा था। हाथी को इस बारीक संगली और इस छोटे से किले के साथ बांध दिया गया था। तब हाथी ने बहुत जोर लगाया था, बड़ी ताकत लगाई थी कि हाथी किला उखाड़ सके, मगर इस वक्त ये बेपनाह ताकतवर नहीं था, इसलिए संगली तड़ा सका और ना केला उखाड़ सका। फिर हाथी ने केले को उससे ज्यादा मजबूत और ताकतवर समझ लिया। वक़्त गुजरा, हाथी बड़ा हो गया, इसका वजन मनो हो गया, इसकी ताकत बेपनाह हो गई, मगर ये हाथी आज तक एहसास के इस केले से बंधा है, इसलिए अब ये जोर नहीं लगाता, क्योंकि जोर नहीं लगाता तो किला उखाड़ भी नहीं सका। बाबा दीन मोहम्मद एक तवक्कुफ के बाद बोले, बेटा मायूस शख्स भी एहसास के इस किले से बंधा जाता है कि सिस्टम मजबूत है, मैं एहसास के इस किले से बंधा जाता है कि मैं कम ताकतवर हूँ और उम्र गिनवा देता है, तरक्की नहीं करता। तुम भी एहसास के किले से बंध गए हो और जोर लगाना छोड़ बैठे हो। मैं बाबा दीन मोहम्मद की बातें गौर से सुन रहा था। बाबा खड़ा हो और बोला, अफी मियाँ, तुम और तुम जैसे लाखों मायूस नौजवान भी एहसास के किले से बंध गए। याद रखना, हाथी की आंख छोटी होती है, इसलिए अपनी बड़ी बर काम जसामत को नहीं पहचान पाता। तुमने भी अपनी जसामत को नहीं पहचाना। दोस्तों से गुजारिश है कि अच्छे अच्छे वाकयात हकयात के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।